एवरीवन वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्या जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हो रहा है कमेंट करके बताइएगा। 60 प्लस क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है या गलत है? इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 2 और 3 है जो सही दिए गए हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है बताइएगा। अंडमान और निकोबार को लघु अंडमान और कार निकोबार से अलग करता है। भारत को म्यांमार से कोको चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल। मिनिकाय को कलानोरे से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर है 3, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? किन किन जगहों पर समानांतर सरकार? बलिया, तामलुक और सतारा। बलिया में स्थापना की थी चित्तू पांडे। तामलुक कहाँ है? तो बंगाल में है। और यहाँ स्थापना किया था सतीश सामंत। सतारा जो है महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में स्थापना किया था समानांतर सरकार का नाम था उनका नाना पाटिल। सबसे लंबा काल जो चला था सतारा का ही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन UNDP के द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? यह हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन नंबर सी। न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिक जांचना ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा फास्ट मैं करूँगी क्योंकि परसों से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए 1 तारीख को जिनका एग्जाम है उनके लिए यह प्रयास रहेगा फास्ट करवाने का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, यह जो कथन दिया गया है गलत दिया गया है। बाकी सही जो दिए गए हैं वो देखते हैं। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है। स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है, यह सभी के सभी सही दिए गए हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 ईस्वी में। और हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई आप लोगों को, अगर 1 तारीख को जिसका भी एग्जाम है वो अपना क्वेश्चन शेयर करना चाहें तो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसका मैं डिस्कशन करवा दूंगी। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बारह जिले हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। गंगा किनारे से जिला कितने हैं? 12 हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 28वां अधिवेशन। आर एन माधोलकर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 28वां अधिवेशन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो गया में। गया में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सी आर दास ने। एक और याद रखिएगा, अब तो रामगढ़ जो है झारखंड में आ गया लेकिन उस समय बिहार वाले क्षेत्र में ही था, तो 3 अधिवेशन बिहार में हुए थे। कौन कौन सा? 1912, 1922 और 1940 रामगढ़ अधिवेशन। फिलहाल ये जो रामगढ़ है ये कहाँ है? तो झारखंड में है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और मौलाना मजहरुल हक जो थे 1912 कांग्रेस के अधिवेशन के क्या थे बताइएगा? स्वागत करनी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे 1912 में। क्वेश्चन नंबर 11, नोमैडिक एलिफेंट द्वारा 23 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ?
नोमैडिक एलिफेंट धरतीस किन दो देशों के बीच? भारत और मंगोलिया। भारत और मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 1992 में। टाइगर प्रोजेक्ट जो लाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। वन जीव संरक्षण परियोजना कब लाया गया था? वन्य जीव संरक्षण परियोजना 1972 में, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नागरिक केंद्रीय सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है किसने? यह जम्मू कश्मीर। किसी तत्व की परमाणु सहती निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? किसी तत्व की परमाणु सहती निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? यह होती है केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के संख्या के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कोई क्वेश्चन में डाउट आप लोग ना रखें, सारे क्वेश्चन मैं सही ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन को मैं भी रिविजन करती हूँ, सुनती हूँ मैं भी। इसलिए किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है? किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी। किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है नाभिकीय नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी। तारा और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम में होता है, हाइड्रोजन बम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक छड़ को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी। जब एक छड़ चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी समान। कितने भी टुकड़े में काट दिया जाए समान ही होगा। और चुंबक को गर्म किया जाता है या पीटा जाता है तो उसका चुंबकत्व का गुण होता है समाप्त हो जाता है। गौर करिएगा, चुंबक को गर्म किया जाता है या पीटा जाता है तो उसका चुंबकत्व का गुण होता है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? चिल्ली सोरा किसका? चिल्ली सिरा दिया हुआ है, यह जो सामान्य नाम है सोडियम नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर, KNO3, ये किसका है? साल्ट पीटर। लूनर कास्टिक हो जाएगा, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में किस आबंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं? प्रोटीन की तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में किस आबंध के द्वारा जुड़ी होती हैं? तो हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड आबंध, वांडरवाल्स आकर्षण, ये सभी। प्रोटीन की तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में किस आबंध के द्वारा जुड़ी रहती है? हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड आबंध, वांडरवाल्स आकर्षण, यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैलेकाइट किसका या फिर खनिज है? मैलेकाइट हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉपर का, ऑप्शन नंबर डी। एल्युमिनियम का भी ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट होता है, डैस्पर होता है, कोरंडम होता है एल्युमिनियम का। लेड का गैलेना है, गैलेना अयस्क है। पारा का सिनेवार, पारा का सिनेवार। और कैल्विनाइट जो है एयू का है, कैल्विनाइट एयू मतलब सोना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर के भाग हैं, पुंकेसर के भाग हैं, पराग कोष और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, पराग कोष और तंतु पुंकेसर के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया श्वसन, माइट्रोकॉन्ड्रिया श्वसन प्रक्रिया। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण होता है। तारकाय में कोश का विभाजन, गोल्जीकाय, गोल्जीकाय शुक्राणु का एक्रोसोम, सही है। एक बार फिर से सुनिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया श्वसन, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण, तारकाय कोश का विभाजन, गोल्जीकाय शुक्राणु का एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं रहने वाला है, क्योंकि मेरा जो ये रहता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर कोई गलत कमेंट आ जाता है कि मैम ये क्वेश्चन गलत हो चुका है तो बहुत मुझे बुरा लगता है, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को गलत ना बताऊं, फिर भी कई बाई चांस गलत हो जाते हैं। चलिए आगे बताइएगा, तो 21 नंबर प्रश्न, IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा अबू धाबी, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर।
अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से कब लिया गया? कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी 1911 में लिया गया था, 1911 में लिया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा, जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी भारत आई थी जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाने के समारोह में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीन दिल्ली दरबार लगा था, एक 1877, दूसरा लगा था 1903 और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय, 1903 के समय लॉर्ड कर्जन और 1877 के समय लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए विभाग और संबंधित पद दिए गए हैं। शैन विभाग दीवाने अर्ज कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर दो में है, स्थापना बलवन, पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी। विधि विभाग दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसाल, विधि विभाग दीवान ए रिसाल अलाउद्दीन खिलजी। पत्राचार विभाग दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा अलाउद्दीन खिलजी। कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। एवं फिर से सुनिएगा, शैन विभाग दीवान ए अर्ज, विधि विभाग दीवान ए रिसालत, पत्राचार विभाग दीवान ए इंसा, कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही। शैन विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना बलवन, पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी। विधि विभाग दीवान ए रिसालत, पत्राचार विभाग दीवान ए इंसा अलाउद्दीन खिलजी, कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए खैरात या किसका है? तो यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज का अधिग्रहण किया? अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज का अधिग्रहण किया? सिंध पर, ऑप्शन नंबर बी। सिंध पर जो सिंध का जो विलय किया था 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन वरो के समय, लॉर्ड एलन वरो। रविवार की छुट्टी जो दी जाती देना प्रारंभ हुआ था, रविवार को छुट्टी देना प्रारंभ हुआ था किसके समय? लॉर्ड एलन वरो के समय। और यह किसके नेतृत्व में सिंध को विलय किया गया? तो नेपियर के नेतृत्व में, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था, लॉर्ड एलन वरो, और रविवार की छुट्टी लॉर्ड एलन वरो। पंजाब का विलय तो पता ही है, 1849 किसके समय? डलहौजी के समय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848 से 1849 के बीच में हुआ था, 1849 में पंजाब को विलय कर दिया गया था। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, दो ही सिख युद्ध हुए हैं 1845 और 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 1849 और 1849 में ही किसको विलय कर लिया गया? पंजाब को, किसके समय? डलहौजी के समय। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होता है? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से स्टार्ट होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल रबी। रबी, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार मिलते हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण कोयला होता है, सबसे अच्छी कोयला जो माना जाता है, यह एंथ्रासाइट कोयला माना जाता है और केवल जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है लिग्नाइट कोयले की, तो लिग्नाइट कोयला का प्रमुख भंडार जो है यह नवेली है, ऑप्शन नंबर ए। लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहा जाता है। पीट कोयला का उत्पादन रानीगंज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा कोयला क्षेत्र जो है यह झरिया है, पुराना कोयला क्षेत्र जो है यह रानीगंज है। राष्ट्रपति निम्न से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 और राज्यपाल 213 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना 1859 में किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय, मान्यता 1861 में। विभागीय प्रणाली जिसे कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? यह जारी कर सकता है संघ व संवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी, संघ सूची, संवर्ती सूची, और ये भी ध्यान रखिएगा अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में विषयों का निर्धारण नहीं किया गया है। संघ सूची में टोटल विषय कितने हैं? तो यह हो जाएगा 100 विषय हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं। संवर्ती सूची में कितने विषय हैं बताइएगा?
वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। मूल संविधान में समवर्ती सूची की जो संख्या थी यह 46 थी। 6 विषय और जोड़े गए, आप लोगों को पता होगा, सॉरी 5 विषय और जोड़े गए। प्रारंभ में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है, तो 5 विषय को डाला गया था राजसूची से समवर्ती सूची में। गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए प्रारंभ में राजसूची के जो विषयों की संख्या थी यह 66 थी, 5 विषय जो है दे दिए गए समवर्ती सूची को, तो अब राजसूची में जो विषय हैं 61 हैं। क्लियर? यहाँ पे संघ सूची में जो विषयों की संख्या है यह 100 है, ये तो क्लियर हो गया। अब प्रारंभ में समवर्ती सूची की जो संख्या थी यह 47 थी, 5 जो आगे राज्य सूची से, तो अब वर्तमान में समवर्ती सूची की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। ध्यान रखिएगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट सूची जो है संघ के पास रहेगा, यह कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। क्लियर? और यह सबकी चर्चा अनुसूची 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तदर्थ समिति, याचिका समिति, आवास समिति या विशेषाधिकार समिति या फिर प्रवर समिति। तदर्थ समिति है प्रवर समिति। प्रवर समिति की स्थापना 1950 में किया गया था जॉन मथाय के नेतृत्व में। इसमें टोटल सदस्य जो होते हैं 30 होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। एक और आता है संयुक्त प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति में टोटल सदस्य जो होते हैं यह 45 होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में टोटल सदस्य 45, 30 जो होते हैं 30 लोकसभा से और 15 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पुरानी समिति जो है लोक लेखा समिति है। 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। लोक लेखा समिति में 20 सदस्य होते हैं, 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रवर समिति को आई थिंक प्राकलन समिति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा डिस्कशन में करवाऊंगी तो टाइम तो लगेगा ही, वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी ही, बस ठीक करना हो तो फास्ट तरह से 20 मिनट में भी कंप्लीट में करवा सकती हूँ। चलिए इसका आंसर बताइएगा, स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? त्यह बने हैं नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध पदार्थों से रंगीन पदार्थ घटाने के लिए सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं या किसके द्वारा कार्य करता है? अधिशोषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अधिशोषण। नेक्स्ट है, अधिक क्वथनांक वाले यौगिक में होते हैं विद्युत संयोजक बंध, ऑप्शन नंबर ए। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र पिंड की सतह के भीतर, बाहर अथवा सतह पर हो सकता है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाई जाती है? उपास्थि कंठ, नासिक, कान या समय पाई जाती है, जबकि मूत्राशय में उपास्थि नहीं पाई जाती है। दाएं आलिंद और दाएं नीलय के बीच स्थित दाएं ओरिकल वेंट्रिकुलर सेफ्टम में मौजूद वाल्व को क्या कहते हैं? त्रिकपदी वाल्व, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? फल परिपक्वता एथिलीन। और कितने रूप से एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, पालका पत्थर, सेल या सब परतदार चट्टान है, जबकि क्वार्टजाइट जो है यह रूपांतरित चट्टान है, ऑप्शन नंबर डी। मैं थोड़ा फास्ट ही करवा रही हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तो मैं टाइम पास नहीं करती हूँ आप लोगों का, बताइएगा। 41 नंबर, फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के वर्तमान सीईओ कौन हैं? एडम मोसेरी फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के वर्तमान सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है?
2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? यह सम्मानित किया है सूरीनाम। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1800 बताइएगा कब हुई थी? 1891 में। ऑप्शन नंबर सी। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है? भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 45। भौतिक राशि और इकाएं? भौतिक राशि तो दिया गया है नहीं, ये जो क्वेश्चन है कॉपी किया गया है, यह बिहार दरोगा में ही पूछा गया था और सेम उसी में भी ऐसे इस तरह से लिखा गया था भौतिक राशि और इकाएं, सुधार इसमें भी नहीं किया गया है। शास्त्रीय नृत्य दिया गया और राज दिया गया है भरतनाट्यम, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या टोटल 8 है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली उड़ीसा। कथकली केरल, माफ़ करिएगा एक बार फिर से सुनिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, सतरिया असम, सतरिया असम, मणिपुरी मणिपुर का, मणिपुरी मणिपुर का, और हमने क्या बताया कथक, कथक जो है उत्तरी भारत या फिर उत्तर प्रदेश। एक और क्या था, मोहिनीअट्टम, हाँ मोहिनीअट्टम केरल। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? या मणिपुरी, ऑप्शन नंबर ए। युगादि नववर्ष पर्व है, युगादि नववर्ष पर्व जो है यह है दक्षिण भारतीयों का। यह क्वेश्चन है जो बहुत इधर फेमस हो रहा है, युगादि नववर्ष ये दक्षिण भारतीयों का है। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस 24 मार्च, मच्छर दिवस 20 अगस्त, मच्छर दिवस 20 अगस्त, ध्यान रखिएगा मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। रुइया गोल्ड कप निम्न से किस खेल से संबंधित है? रुइया गोल्ड कप ब्रिज से। एशियन संगठन के, एशियन संगठन के मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला 51वां देश कौन सा बना है? एशियन संगठन के मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला 51वां देश कौन सा बना है? क्या बना है? सऊदी अरब। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महाद्वीप को नाम दिया था महाद्वीप, देखिए महाद्वीप का नाम जो था यह था पैंजिया, पैंजिया, और इसके चारों तरफ क्या था? महासागर था, महासागर था। इसका नाम था पैंथालासा, पैंथालासा। सबसे बड़ा अगर महाद्वीप पूछा जाए तो कौन सा था? पैंजिया, और सबसे बड़ा महासागर पैंथालासा। बाद में जो है पैंजिया में, पैंजिया जो है दो भागों में बट गई, दो भागों में बट गई। उत्तरी वाले भाग को लारेशिया कहा गया, गौर करिएगा लारेशिया कहा गया, और दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना कहा गया, गोंडवाना कहा गया। भारत जो है गोंडवाना का ही हिस्सा है। यह सब प्रैक्टिस सेट में डिस्कशन सर नहीं करवाए हैं, लेकिन फिर मैं आप लोग बता दे रही हूँ। ये जो बीच वाला जो भाग था, बीच में अगर दो भागों में बटेगा तो महासागर का पानी बीच में आ ही जाएगा, तो ये वाले भाग को क्या नाम दिया गया? टेथिस महासागर, टेथिस महासागर। आज का जो हिमालय है यह टेथिस महासागर वाले हिस्से पे ही अवस्थित है। क्लियर हो गया होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है पैंजिया है, सबसे बड़ा महासागर पैंथालासा है। पैंजिया दो भागों में बटा, उत्तरी वाले भाग को लारेशिया, दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना कहा गया, बीच में जो पानी आया उसे टेथिस महासागर नाम दिया गया, टेथिस सागर नाम दे दिया गया। आज का जो हिमालय टेथिस सागर में ही अवस्थित है। क्लियर, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और भारत जो है गोंडवाना का हिस्सा है। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की? किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की? रेमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? सांप्रदायिक पंचांग की जो घोषणा की गई थी, यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ, सांप्रदायिक पंचांग की जो घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932 को, क्लियर, और 20 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी अनशन पर बैठे थे, और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 52 का सी।
निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? ओसाका। जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र ओसाका। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र 1854 कहाँ? मुंबई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? अली मर्दान को। अली मर्दान को। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कैकुबाद ही था। कैकुबाद। अगर क्यूमर्स रहेगा तो क्यूमर्स टिक करिएगा, क्यूमर्स अगर ना रहे तब कैकुबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? निम्नलिखित में किस स्थान का नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? खिजराबाद जो किया गया है यह किया गया चित्तौड़। 1303। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? राष्ट्रसंघ का सदस्य देश नहीं बना संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन यह इसका सदस्य नहीं बना। मुतखब उल तुबाव का लेखक कौन था? मुतखब उल तुबाव का लेखक कौन था? खाफी खा। खाफी खा। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य के पैनल का कोई एक सदस्य। राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य के पैनल का कोई एक सदस्य, यही तो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, सदन के सचिवालय महासचिव नहीं। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून। कब बताइएगा, कब निर्वासित किया गया था? 20 सितंबर 1857। वही इनकी मृत्यु हो गई, इनका जो मकबरा है अभी तक खाली पड़ा हुआ है। दिल्ली में अपना मकबरा का निर्माण दिल्ली में करवाया था जो कि खाली पड़ा हुआ है। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? महानदी। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध और सोन नदी पर रिहन बांध। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विप्रयास विशेषक चयनित किए थे? 7। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? एक्स वाई जो क्रोमोजोम है यह क्या है? पुरुषों में। एक्स जो है महिलाओं में। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? यह जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य का मान 2.2×10^11 मीटर है, यहाँ पे 2.2×10^11 मीटर होना चाहिए, तो फोटोन की संवेग का मान होगा, बताइएगा। इसका जो आंसर होगा 66 का ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिएगा, मुझे तो न्यूमेरिकल नहीं पता है। नेक्स्ट है, फिनाइल कीटो नूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। फिनाइल कीटो नूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? फिनाइल पाइरुविक अम्ल। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन बना? सौराष्ट्र। हाल ही में किस शहर में G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक आयोजित की गई? बेंगलुरु। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैसे से दिया गया है, इसे आप लोग देख लें। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल चॉइस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आपने मिला लें। ऑप्शन नंबर ए। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पोएम दिया गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए होंगे। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इसका डिस्कशन सर ने नहीं करवाए हैं, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस शीट लगाया था वही देख करके मैं आंसर बता दे रही हूँ। 72 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है पंकज बिष्ट का। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो द क्वेश्चन।
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो द क्वेश्चन 74 ऑप्शन नंबर सी। 75 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वीडियो को पॉस्ट करके सॉल्व कर लीजिएगा। 76 ऑप्शन नंबर डी, मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण श्रीकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है, तो वह तोड़ती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 77 चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 77 का ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड मदर होगा। जायसी की पद्मावत का संबंध किस द्वीप से था, जायसी की पद्मावत का संबंध किस द्वीप से था, तो यह द्वीप कौन सा है, सिहल द्वीप। फिल इन द ब्लैंक, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड ट्वेल्स टीयर्स एंड स्वीट, दिस लाइन बिलोंग्स टू। 79 ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल या फिर एकेडमिक, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्मरण। 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 81 ऑप्शन नंबर डी। 82 शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है, तो यह कृति है आवारा मसीहा। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा, क्या मिलेगा, तो यह मिलेगा गानपन, ऑप्शन नंबर ए। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट करना है, ऑप्शन नंबर सी। डू यू बिलीव इन रिबर्थ। निम्नलिखित में से कौन से कवि भूषण की रचना नहीं है, कौन सी कवि भूषण की रचना नहीं है, कवि भूषण की रचना नहीं है, कुशल विलस। शमशेर बहादुर सिंह अगे के कौन से सप्तक के कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह अगे के कौन से सप्तक के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी दूसरा सप्तक। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है, तो हो जाएगा वेणु संहार। 88 ऑप्शन नंबर सी, 89 ऑप्शन नंबर ए, 89 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी, 87 का आंसर हमने क्या बताया, ऑप्शन नंबर ए, 88 का ऑप्शन नंबर सी, 89 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91 ऑप्शन नंबर डी, 92 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 95 ऑप्शन नंबर सी, 95 ऑप्शन नंबर सी, 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है, 997। 98 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 99 ऑप्शन नंबर सी, और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, वहां से आप लोग प्राप्त कर लेंगे।